हेलो बच्चों, मैं सोनू जहांगीर आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ हिंदी कक्षा 3 का पाठ 4, स्वच्छता से स्वास्थ्य। हम अपने आसपास सफाई रख के कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं वो इस पाठ में बताया गया है। देखिए, तो चलिए पढ़ते हैं। केतन और जतिन बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र यानी दोस्त थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। परीक्षा बहुत नजदीक थी। उन्हीं दिनों केतन बीमार हो गया। वह पूरे सप्ताह विद्यालय नहीं आया। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। क्यों? क्योंकि वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया। उसने केतन के घर जाने का निश्चय किया। एक दिन रविवार को सुबह जतिन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र से मिलने चल पड़ा। जब जतिन केतन के मोहल्ले में पहुंचा तो उसने जगह जगह कूड़े के ढेर देखे। चारों तरफ गंदगी फैली रही थी। जतिन केतन के घर पहुंचा और दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। जतिन कहता है, तुम्हें क्या हुआ मित्र? जतिन अपने मित्र से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम बीमार कैसे हो गए? केतन कहते हैं, एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया था। मैंने उससे पकौड़ियाँ खरीद कर खाई और अगले ही दिन मैं बीमार हो गया। फिर जतिन ने कहा, मित्र यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूं? केतन ने कहा, कहो, क्या बात है? जतिन, मित्र तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन्हें उन पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। यही मक्खियां जब भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास में अगर गंदगी होती है चारों तरफ, तो और फल फ्रूट बेचने वाला या कोई भी, जैसे इसमें आया पकौड़ी चाट बेचने वाला, तो गंदगी के कारण जो मक्खियां उन पर भिनभिनाती हैं और हम अगर उससे उस चीज को हम खरीद कर हम खाते हैं तो बीमार तो हम अवश्य ही होंगे, जैसा कि इसमें केतन के साथ हुआ। इसलिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। केतन कहता है, तुम ठीक कहते हो, शायद मेरी बीमारी का कारण भी यही है। जतिन, मित्र हमें अपने घर की तरह ही उसके आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जतिन कहता है कि जैसे हम अपने घर की सफाई रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर सभी अपने अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे तो जाहिर है कि सभी जगह साफ सफाई जरूर होगी। केतन, घर के आसपास कैसे? जतिन, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझा कर। हमें अपने आसपास के जो लोग रहते हैं, पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उन्हें सफाई का महत्व समझाना चाहिए कि सफाई रखने से हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। केतन, क्या लोग समझेंगे सफाई का महत्व? क्या लोग समझेंगे? इस तरह से केतन ने कहा। जतिन, क्यों नहीं समझेंगे? अगले रविवार मैं अपने सभी मित्रों को यहाँ लेकर आऊंगा। सब मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे, कोई भी यहाँ वहाँ कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखना चाहिए क्योंकि उसमें मक्खियाँ भिनभिना सकती है। अगर कूड़ेदान खुला होगा तो उसमें मक्खियां जरूर भी बनाएगी।
अगर कूड़ेदान को हम ढक्कन लगा के रखेंगे और कचरे वाली जो आसपास में गाड़ियां चल रही हैं उसमें हम कचरा डाल सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का उपयोग करना चाहिए। अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें। जतिन ने क्या कहा कि हमें आसपास जाकर अपने पड़ोसियों को आसपास जाकर कूड़े को डस्टबिन में डालने के लिए समझाना चाहिए, उन्हें कचरे पात्र में डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसा कि सरकार ने द्वारा सफाई अभियान चलाया और जगह जगह कूड़े की गाड़ियां जगह जगह चलाई, ताकि हमारे घर के आसपास सफाई रह सके। केतन, तुम ठीक कहते हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सभी मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। केतन क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा कि हम सभी मिलकर साफ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही स्वच्छ रह सकते हैं। अगर हम अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए हम अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं शब्द बोध, शब्दार्थ देखते हैं। चिंता, चिंता यानी फिक्र। परवाह, जिसे हम कहते हैं। मित्र, मित्र यानी दोस्त। सप्ताह, रविवार से शनिवार तक के जो 7 दिन होते हैं उसे हम सप्ताह कहते हैं। आसपास यानी हमारे आसपास यानी अगल बगल। ध्यान, निगरानी। दूषित, गंदा। निश्चय, फैसला या विचार। स्वच्छ यानी कि साफ। स्वस्थ, निरोग या तंदुरुस्त। अब हम आगे पढ़ते हैं व्याकरण बोध। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, केतन अच्छा लड़का है। इस वाक्य में लड़के की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर लड़का शब्द विशेष्य है। नीचे देखते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों में से उनके सामने विशेष्य छांटकर लिखिए। जतिन होनहार लड़का है, इसमें विशेष्य होगा लड़का। लड़का अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए व्यायाम करें, इसमें विशेष्य होगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, प्रतिदिन सुबह 2 घंटे पढ़ो, इसमें विशेष्य होगा पढ़ो। जतिन और केतन दो बालक हैं, इसमें विशेष्य होगा बालक। जतिन स्वच्छ कपड़े पहनता है तो इसमें विशेष्य होगा कपड़े। अब इसे हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।